नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरसीएन न्यूज। अभी की बड़ी खबर आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन के इंतजार में बैठे हुए हैं कि उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन कब जारी किया जाएगा, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग विज्ञापन कब जारी करेगा। आज के समाचार पत्र को पढ़कर आपका मूड खराब हो गया होगा कि विज्ञापन में अभी और विलम्ब होगा, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। समाचार पत्र में जो लिखा हुआ है मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसी के आधार पर मैं आपको एक स्पष्ट जानकारी दूंगा, आपको समझाने का प्रयास करूंगा। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और ऑल पर सेट करना मत भूलिएगा, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं। आप लोगों ने समाचार पत्र में पढ़ा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकालने में रुचि नहीं ले रहा आयोग। आप सोच रहे होंगे अब तो विज्ञापन ही नहीं आएगा, आपके अंदर खलबली मच गई होगी, आप लोग परेशान होंगे। तो मैं आपको बता दूं विज्ञापन आएगा, कब आएगा इसके संबंध में भी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युवाओं को रोजगार देने की कवायद तेज करने का निर्देश दे चुके हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सहित कुछ भर्ती संस्थान उनके अनुरूप काम कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का काम अपेक्षा से काफी सुस्त है। आयोग को 2016 पदों का असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का अध्याचन मिले 20 दिन से अधिक हो गए हैं, लेकिन अभी तक भर्ती का विज्ञापन नहीं निकाला गया है। वहीं प्रतियोगी भर्ती निकालने की मांग उठा रहे हैं, भर्ती विज्ञापन के आस में बैठे हुए हैं। यहाँ पर एक बात और लिखी हुई है कि क्षैतिज आरक्षण को लेकर, यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्षैतिज आरक्षण की स्थिति स्पष्ट ना होने से भर्ती शुरू नहीं हो पाई। शासन से आरक्षण की स्थिति स्पष्ट करने का निदेशालय ने पदों की संख्या बढ़ाकर पुनः अध्याचन आयोग को भेजा गया है। देखिए पदों की संख्या बढ़ा दी गई, देखिए क्षैतिज आरक्षण की जो बात थी उसका निर्धारण हो चुका है, भले ही समाचार पत्रों में छप रहा हो गया। आपको बेचैन होने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। जो मुझे जानकारी मिली है, पहले पदों की संख्या पहले चरण की 1303 थी, उसे बढ़ाकर लगभग 2000 कर दिया गया है। जब 2000 कर दिया गया तो क्षैतिज आरक्षण का पुनः निर्धारण करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, आप लोग सोच सकते हैं। जब क्षैतिज आरक्षण का निर्धारण हो जाएगा विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। आप लोग सोच रहे हो कि कहीं 2021 में विज्ञापन जारी ना हो फरवरी मार्च में, तो मैं आपको बताना चाहता हूं इतना आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नवंबर या दिसंबर 2020 तक विज्ञापन 100% गारंटी के साथ कहता हूं जारी कर दिया जाएगा, आपको उतावले होने की जरूरत नहीं है। अगर 2021 में जारी होता है तो मैं बैठा हूं, मैं चिल्लाने के लिए यहां पर बैठा हूं। प्रतियोगी छात्रों के हक का हनन हो रहा है, आप मानसिक प्रताड़ना प्रतियोगी छात्रों को दे रहे हैं, इंतजार में वैकेंसी के बैठे हुए हैं, आप डेट पर डेट बताते जा रहे हैं। तो मैं उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से कहना चाहता हूं कि आप अपनी प्रक्रिया बढ़ाएं। सरकार से भी कहना चाहता हूं कि सरकार उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को आदेश दे, कड़ा से कड़ा आदेश दे कि जल्द से जल्द विज्ञापन जारी हो। अगर नहीं जारी होगा तो यह चैनल मौजूद है, इस चैनल के माध्यम से बेरोजगारों के हक की बात की जाएगी, प्रतियोगी छात्रों के हक की बात की जाएगी, किसी भी क्षेत्र की जानकारी होगी इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले दी जाएगी। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। विज्ञापन नवंबर या दिसंबर 2020 तक जारी कर दिया जाएगा। जय हिंद जय भारत दोस्तों, नमस्कार।